आज तेरा ब्याह हो रहा है बेटा, आज तू गृहस्थ जीवन में कदम रख रही है बेटी, तू मेरे घर की लाज थी मेरी बेटी, अब तू दूसरे के घर की कुलवधू होगी। जिस तरह तूने मेरे घर की लाज रखी है, उसी तरह वहां की मर्यादा का भी पालन करना बेटा। तू अपने गृहस्थ जीवन को सुखी बनाएगी तो सुखी रहेगी, दुखी बनाएगी तो दुखी रहेगी। अपनी लाज और उनकी मर्यादा की रक्षा करेगी तो तेरे साथ तेरे बाप की इज्जत भी बढ़ेगी, नहीं तो तेरे साथ इस बुद्धे का नाम मिट्टी में मिल जाएगा बेटा। मैं आपकी बेटी हूँ पिताजी, मुझ पर विश्वास रखिए। जीती रहो बेटी, जीती रहो। क्या करूं बेटी, मैं नहीं समझाऊंगा तो और कौन समझाएगा। मैं ही तेरी माँ हूं, मैं ही तेरा बाप हूं। घर में कोई औरत नहीं और तेरी कोई सहेली भी तो नहीं आई जो इस खुशी में आकर हाथ बटा ले। कमला जरूर आएगी पिताजी। पगली, कमला अपने भाई के घर घोड़ी की लगाम पकड़ेगी या यहाँ आएगी? यही आएगी चाचा जी। कमला। अच्छा तू आ गई बेटी, और भैया के घर? भैया भी तो अभी थोड़ी देर में यहीं आएंगे, मैं अपने भाभी के पास पहले आ गई तो क्या हुआ। अरे तूने लगन का जोड़ा अभी तक नहीं पहना, चला तुझे पहना दूं। अब ये सब काम तेरा ही है बेटी, ये तो कुछ जानती ही नहीं। अच्छा मैं सब सिखा दूंगी चाची। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। बता तू क्या सिखाएगी मुझे? बनना, संवरना, रूठना, मनाना, लजाना और सब कुछ। अच्छा अरे क्या हुआ तुझे? कौन था वो? रमेश। रमेश वो सिंगापुर चला गया था, न जाने कैसे वापस आ गया। मैंने चिट्ठी लिखी है तुम्हारे लिए, देखो तो क्या लिखा है। कमला जी, मैं अब आपको अपनी कमला नहीं लिख सकता क्योंकि आप पराई हो गई हैं। आपकी सहेली के घर मुझे इसलिए आना पड़ा कि मैं कल सिंगापुर वापस जा रहा हूँ। आपकी चिट्ठियाँ जो मेरे पास है और जिनके शब्दों में आपका प्रेम भरा है, वो मैं आपको वापस करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि चिट्ठियां किसी के हाथ आ जाए और आपका गृहस्थ जीवन बिखर जाए। आप अभी आकर खत ले जाइए। अभी आपकी सहेली और होने वाली भाभी करुणा को नमस्ते। रमेश जो पहले आपका था और अब किसी का नहीं है। मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है, मुझे मैंने जिंदगी में एक भूल की, उसका कलम मेरे मन में नहीं मिल सकता। अरे पगली, वो तो तुझे खत लेने के लिए बुला रहा है। नहीं जानती। लेकिन कमला, रमेश तो तुझे प्यार करता था। नहीं, उसने मुझे प्यार का फरेब दिया था। पर अब तो बात खत्म हो गई, तेरी शादी हो चुकी है। किसी बात का तो वो फायदा उठाना चाहता है, वो मुझसे इन खतों की कीमत मांगेगा, मुझे सुबह शाम जब चाहे बुलाएगा। अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो मुझे गोली मार देंगे, मैं क्या करूं। लेकिन खत तो मैंने अपने हाथ से लिखे हैं, तूने थोड़े लिखे हैं। भगवान के लिए बात उसने मुझसे मुझ निकालना, वरना वो तुम्हारी जान का भी लागू हो जाएगा। मेरी जान का लागू? तुम नहीं जानती करुणा, मेरे सामने सिवाय मौत की और कोई रास्ता नहीं। अरे रोते क्यों हो पगली, मैं तेरे खत ला दूंगी। तू वहां जाएगी? क्यों नहीं, वो मुझे जानता है, मैं उसे जानती हूँ। लेकिन तेरी तो बारात आने वाली है। तो क्या हुआ, ये पास ही तो होटल है, मैं अभी आ जाऊंगी 10 मिनट में। नहीं, नहीं, किसी को पता चल गया तो तेरी कितनी बदनामी होगी। तेरा घर, तेरी इज्जत। मेरा घर, मेरी इज्जत,
कमला, तू जिस घर की बेटी है मैं उस घर की बहू बनने वाली हूँ। अगर बेटी की इज्जत चली जाएगी तो क्या बहू की इज्जत बचेगी? लेकिन बारात आने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। और भैया, इसकी चिंता न कर, मैं अभी आती हूँ खत लेकर। यहाँ किसी को पता न चलने देना कि मैं घर में नहीं हूँ, समझे? रमेश को यह न बताना कि यह खत तुम्हारे लिए है। मैं इतनी भूली नहीं हूँ। अच्छा, करुणा जल्दी आ जाए। गुड इवनिंग मैडम। मैंने कहा मिस्टर रमेश कौन? जी रमेश भाटिया, आप तशरीफ रखिए। मेरे पास वक्त नहीं है। जी हाँ, लेकिन देखिए उनके पास भी वक्त है या नहीं। ठहरिए, मैं अभी बताता हूँ। होटल मैनेजर जी, एक लेडी आपसे मिलना चाहती है। औरत नहीं, लड़की। जी बिल्कुल महारानी मालूम होती है। आपका नाम? मेरा नाम कह दीजिए। के? कह दीजिए क्या? क्या के? आपका मतलब है आई जे के? जी के नाम बताती हैं जी। हाँ, अंग्रेजी वाला आई जे के भेज दो। लेकिन आपके पास तो कोई नहीं। जाइए फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 10, दाएं हाथ को घूम जाइए, सामने ही कमरा है। थैंक यू। जो भी आता है रमेश से मिलने आता है, वह लकी है। सर, अभी एक लड़की और भी तो गया रमेश को मिलने। अरे वो चली गई होगी। हमने आते देखा पर जाते नहीं देखा। अरे हमने भी जाते नहीं देखा। तो सुनो, रमेश बड़ा खिलाड़ी है। वो एक वक्त में दो गाड़ी एक लाइन पर कभी नहीं रखता। एक्सीडेंट होने का खतरा है। तब तो बड़ा अच्छा स्टेशन मास्टर है। अरे तुम एक बात जानता है? नहीं। चलो अभी समझाता। वो तुम मकड़ी देखा है? मकड़ी जाला बुनती है तो जाला। स्पाइडर। I mean स्पाइडर। वो जाला बुना के रखती है, मक्खी आई और फंसी और उसने यूं पकड़ा। सर तुम स्पाइडर होगा, हम मक्खी नहीं। ओ सॉरी। ठीक है। यस कम इन। दरवाजा जरा एहतियात से बंद कर देना कमला, ऐसे मामलों में सख्त एहतियात की जरूरत होती है। ओ आप आई हैं। कमला नहीं आई? कोई बात नहीं, आप हो तो क्या और कमला हो तो क्या। मैं वो खत लेने आई हूँ। इसलिए कि शादी आपकी हो रही है और खत आपने लिखे। देखिए बारात आने वाली है, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे खत दे दीजिए। आप बड़ी मुश्किल में हैं। मैं भी बड़ी मुश्किल में हूँ। कल मुझे सिंगापुर जाना है और मेरे पास रुपए नहीं। हम दोनों की मुश्किल का इलाज है 5,000 रुपए। ये है वो खत, कमला की मोहब्बत के और आपके हाथ के। लेकिन रमेश बाबू, इतने जल्दी रुपए कहाँ से आ सकते हैं? मैं वादा करती हूँ दो एक दिन में आपको रुपए पहुंचा दूंगी। देखिए मुझे ये पोस्ट डेटेड बातें अच्छी नहीं लगती। शादी भी एक दो दिन के बाद ही कर लीजिएगा। ऐसा ना कहिए। आप मेरी सेवा ले लीजिए, यह हाल ले लीजिए। ठहरिए 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 ठहरिए।
खूबसूरत। मेरा मतलब है इस हार में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मुझे दीर आप समझते क्यों नहीं? मैं नहीं समझता या आप नहीं समझते? क्या मतलब? दुल्हन के रूप में कितनी अच्छी मालूम हो रही है। डरिए नहीं, यहाँ कोई नहीं आ सकता। आप क्या कर रहे हैं? मैं किसी की अमानत हूँ? एक अच्छे घर की बहू बनने वाली हूँ। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। आपकी बारात तो नहीं आ रही? रमेश बाबू, मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर उन्हें पता चल गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। रमेश बाबू, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मैं आपके पाँव बढ़ते हूँ। भगवान के लिए मुझे खत दे दीजिए, दे दीजिए रमेश बाबू। इतनी नफरत? इन खतों की हर लाइन का हर लफ्ज तुम्हारी जिंदगी को तारीख बना सकता है। मैं तुम्हें जब चाहूंगा बुलाऊंगा, सुबह, दोपहर, शाम, जहां चाहूंगा बुलाऊंगा और तुम आओ। शादी को कामयाब बनाने के लिए मैं पति से झूठ बोल कर आऊंगा। निकला जा रहा है, जल्दी कीजिए। हाँ यस, अरे आप जीते रहो, जीते रहो। बेटी, ये हमारे एक ही दोस्त है, तुम्हारे चाचा, उनके भी पहुंच। जीती रहो बहुत, खुश रहो। भैया के छोटे भैया हैं। भाभी को दिख नहीं
भाभी इनके भी पैर छू। Thank you.
भाभी का है? मैं करना दीदी नहीं। तो तुम भाभी हो? नए कपड़े पहनने से क्या नाम बदल जाता है? नहीं, जब लड़की के में सिंदूर भर जाता है तो नाम बदल जाता है। ये क्या है? तुम्हें खोल दो। मगर है क्या? खोल दो ना। अरे ये तो कंगन है। कंगन? तुम इसे क्या समझ कर लाया हो? मैं तो इसे तोहफे समझा था, भैया की जेब से लाया। अब तुम्हें ये सब लगता? देखो अच्छे बच्चे चोरी नहीं क्या करते। मगर मैं तो इसे तोहफे समझा था। अच्छा, उन्हीं की जेब में रख दो। भैया से मत कहना दीदी। ओ भाभी, भैया अगर इसे अपने पास रखो, मत कहना दीदी। भाभी तुझे क्या कर रहा? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं तुम्हें बुलाने आ रहा था। मुझे तो भाभी ने बुलाया। भाभी ने कहा था कि भैया को बुला के लाओ, मैं भैया को बुलाने आया। ये मुन्ना क्या कह रहा था कि आपने आपने मुझे बुलाया? नहीं, झूठ बोलता होगा। खैर, आपकी एक अमानत मेरे पास है। मेरे जेब में कंगन थे, कहाँ गए? अरे ये हाथ की सफाई, आपको मालूम है कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर, चोरी करना जुर्म है। मुजरिम को सबूत देना होगा कि हाथ की सफाई कैसे हो। आप ऊपर थी, मैं नीचे था और ये कंगन मेरी जेब में था। बताइए जी मुन्ना। ओ, समझ गया। तो गुरुजी ने आते के साथ ही चेले फैलाना शुरू कर दिए। लेकिन देखिए, इसकी सजा बहुत कड़ी है। अब तुम्हें जिंदगी भर ये प्यार की जंजीर पहन कर रहना पड़ेगा। हम की बाहर मर्जी है। चाय हम ऊपर लेके जाएंगे। चाय हम ऊपर लेके जाएंगे? हाँ। तुम्हारे बाप का राज है गोपी? हमारा बाप राज नहीं करते, तुम्हारी माँ राज करता है। माँ का नाम न लेता है तो तेरा बाप निकाल दूंगी। हाँ गोपी, होगा संतम लोगों दबा ज्यादा गड़बड़ करेगा तो हम तुम... मुझे भी ताव आता है। ताव आ गया? बहुत जल्दी आ गया। एक गोपी, तू लड़ेगा, हम लड़ेंगे, तो चाय ऊपर कैसे जाएंगी? बात तो ठीक है ना। ऐसा करते हैं, हम दोनों चलेंगे। हम दोनों चलेंगे? अरे फिर तो बहुत मजा आएंगे। कैसा? उधर से पकड़ो। चलो चल। नहीं जाओ। तुम्हारी मर्जी। संभालो। अरे आहिस्ता आहिस्ता, तू संभल के चलना। चलता हूँ। अरे वक्त तो लगा, बाबू जी उठेगी नहीं। मैं तुम जाके देखो, तुम जाके देखो। क्या कर रहा? बाबू जी ने चाय लाई। लाई नहीं लाया, लेकिन आज बाबू जी कमरे में चाय नहीं पियेंगे। किधर पियेंगे? आज सब साथ बैठ कर बागीचे में चाय पियेंगे। अच्छा गोपाल, तू बागीची में ले जा, मैं दूसरी चाय बना। ये है हमारे दो पहलवान। क्या तुम अपने ऑफिस तक देगा? अब तुम्हारे ऑफिस तक चल। अरे जल्दी करो ना। डाउन डाली। अब मैं भोजन लेके आती।
अरे भोजन कहाँ लेके आता है, अभी तो बड़ा साहब आने वाला है। बड़े साहब आने वाले हैं। अरे मैं तो भूल ही गई। अरे तू तो सब कुछ भूल जाता है, सर पे बादाम रोगन लगा। बादाम रोगन? बादाम का रोग दूध लाओ। रोग नहीं रोगन, रोगन था बोल दी। अरे तू लगा, तू लगा, तेरा भेजा है ना गर्म होता है। मैं कहती हूँ तू मेरे साथ सामने मत बोला कर। अगर तू दोबारा कुछ कहा ना, हाँ रख के, हाँ तू मुझे मारेगा? हाँ मारेगा, हाँ मारेगा। मार के तो देख, तू जैसी बात करेगा देखा, दारा बढ़ गई है। हाँ जास्ती बोल रही ना तू, तू ना देने ड्राइवर दूंगा। ड्राइवर ड्राइवर देगा? कौन सा ड्राइवर? ड्राइवर मैं सोचती तेरे खानदान में किसी ने तालाब दी है किसी को? ये जगह जाती है देख गोपाल, मैं देती हूँ। गोपाल भैया क्यों लड़ रहे हैं? तू शब्द का थोड़ा ना छड़ी मारेगा, दो का तो फोड़ दो। मार के तो देख, मैं देखू तो सही देखो बढ़िया। मैंने लड़ती, ये लड़ता है, मैं लड़ती हूँ। बगा मुन्ना आया बाबू जी। चलो गोपी पेपर लगाओ। लड़ा नहीं करते गोपी, मैं वो बाबू जी सोचा छुट्टी है आज घर रहूंगा, आपने कहा कपड़े पहन के चले आओ, कहाँ भेज रहे मुझे? हर बात में बोला नहीं करते, समझा करते। चलो फिर बोलना पड़ेगा बाबू जी, समझ में नहीं आया 2000 किस लिए? देखो बेटा यहाँ बड़ी गर्मी पड़ रही है, कुछ दिनों के लिए बहू को लेकर मसूरी के ले जाओ। बाबू जी किस लिए? हनीमून मनाने के लिए। फौज में होते तो मोर्चे पे जाना पड़ता मिस्टर, हनीमून का ख्वाब भी ना लेते। गुड मॉर्निंग डैड। बस वेरी बैड है, इट्स ऑल राइट। खाना टेबल पर लगा दिया है। ए यू सोल्जर खराब, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। हेलो कौन? शरद। आज मैं शरद बोल रहा हूँ। किसका फोन है? चाचा जी का। अरे वो अभी फोन ही कर रहा है, उससे कहो जल्दी आ जाए, सब लोग खाने पर इंतजार कर रहे हैं। सुन लिया आपने चाचा जी, सब लोग खाने पर इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी आ जाइए। हाँ भाई मैं तो आ ही रहा हूँ, लेकिन तुम फौरन ड्यूटी पर आ जाओ। मगर चाचा जी आपने मुझे 15 दिन की छुट्टी दी है। वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन खूनी ने तुम्हारी छुट्टी जब्त करा दी है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। तुम फौरन चले आओ, तुम्हारे बगैर नहीं होगा। अच्छा मैं आता हूँ। भैया खाना तो खा के जाओगे ना? कैप्टन अपनी मसूरी तो खत्म हो गई। लीजिए बाबू जी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा खाना खा के तो जाओ। चाचा जी ने कहा साफ कैसे इसी वक्त चले आओ। अच्छा देखा कैप्टन, तुम्हारी ड्यूटी में और शर्त की ड्यूटी में कोई फर्क नहीं। ड्यूटी इज ड्यूटी डैड। सुना बाबू तुमने? बाबू जी भाभी भी ड्यूटी पर गई। रुमाल नहीं लिया आपने? इसलिए बुलाया था मुझे, जाते वक्त इजाजत तो लेनी चाहिए। मालूम होता है ये खून इस घड़ी से किया गया है। जी हाँ, इस पे खून के धब्बे भी पड़े हैं और उंगलियों के निशान भी। 11:15 पर घड़ी बंद हो गई। इसका फोटोग्राफ लिया? जी हाँ फोटोग्राफ भी ले लिया और फिंगरप्रिंट्स। शनाख्त के लिए कुछ मिला? जी हाँ ये रुमाल जो टेबल के पास पड़ा हुआ के? ये शॉल का टुकड़ा जो ड्रॉर में फंसा हुआ था के? और ये खत जो इनकी जेब से मिला है ये भी के? के 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 टेलीफोन पे भी के सर। आई एम सॉरी सर। क्या मतलब टेलीफोन पर भी के? जो उसने कहीं बताया था। किसने? वो लेडी औरत लड़की जो उनसे मिलने आई थी, एकदम ब्यूटीफुल सर। सॉरी सर। तुम उसे देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ बिल्कुल पहचान लूंगा सर, होटल मैनेजर की नजर है, एक जगह चिपक जाती है। चिपक ही जाती है ये सर। सॉरी सर। ये एक फोटो मिली है लेकिन आप देख ही लीजिए। अगर ये उसकी लड़की की होगी तो मैं जरूर पहचान लूंगा सर, एकदम पहचान लूंगा। पहचान लोगे? ये सर बिल्कुल पहचान लूंगा। पहचानो? बेचारी जल गई है। सूरत कैसे जल गई? इस पे सिगरेट का टुकड़ा पड़ा हुआ था, मालूम होता है जानबूझकर सूरत जला दी गई होगी। हो सकता है।
लेकिन इसके पीछे भाटिया फोटो स्टूडियो सर, यहाँ से कुछ पता चल सकता है, लेकिन फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाए। ओके। अरे आपको उस खून का पता कब चला? जी वो 6 बजे थी। वो बात ऐसी थी कि वो उनको सिंगापुर 7 बजे के प्लेन से जाना था और मुझे उन्होंने 5:30 बजे उठाने के लिए कहा था। मैंने टेलीफोन किया, नो रिप्लाई, दरवाजा कर गया, नो रिप्लाई। उसके बाद मैंने समझा कि वो मेरा बिल लेके चले गए। मैंने दरवाजा खुलवाया और जाके देखा वो चले गए, हमेशा के लिए चले गए, हमेशा के लिए, नो रिप्लाई। सॉरी सर। चलिए आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। पुलिस स्टेशन? आइए। सॉरी मोहन भैया, आज मैं काफी लेट हो गया। भाई तुम आदत से मजबूर हो। कहो मुन्ने कैसे हो? नमस्ते चाचा। नमस्ते नमस्ते। हेलो कैप्टन, हाउ आर यू? हाउ फाइन। नमस्ते बड़ी साहब। क्यों भाई वर्मा, तुम हमें सुखी नहीं देखना चाहते हो क्या? जो शरद को फॉरन ड्यूटी पे बुला लिया, बेचारा भूखा ही चला गया। होनहार पुलिस अफसर के यही हाल होता है मोहिया। आज तक जितने केसेज उसने अपने हाथ में लिए हैं सब में कामयाब रहा है। उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट। मैं हूँ कि इस केस में वो कामयाब हो जाए तो मैं उसकी तरक्की के लिए सिफारिश करूँ। क्या तरक्की तरक्की तरक्की? तुम पुलिस वालों ने मार दिया। पुलिस वालों को तुम जैसे वकील मार देते। मैं जितने केसेस कोर्ट में भेजता था तुम उसे छोड़ा देते थे। कहो बेटे, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? मैं तो फौज में भर्ती हो जाऊंगा। पिस्तौल मिलेगा, बंदूक मिलेगी और पेटी मिलेगी, सबको गोली से मार डालूंगा। That's right, good boy. मोहन भैया खाने में मजा आ गया। हाँ भाई, अब इस घर में बहू का राज जो है। कमला जरा पहुंचा तो बनाना। नहीं कमला, बाबूजी को सुबह से खांसी हो रही है। देखो वर्मा, जब से शरद की माँ परलोक से सुधारी मुझे कोई टोकने वाला न था कि ये था। नहीं नहीं बेटी, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे तो खुशी हुई। अरे हाँ, तुम क्यों नहीं खा रही हो? ये कैसे खाएगी बाबूजी? भैया जो खाए बगैर चले गए। तो ये पति भक्ति हो रही, अगर यही हाल रहा तो बहुत सूख कर कांटा हो जाएगी मोहन भैया। अब तुम्हें बड़ी खुशी होगी है? अरे हाँ याद आया, तुम्हारी भाभी कह रही थी कि आज शाम का खाना तुम लोग का हमारे घर पर। हाँ हम लोग आएंगे, लेकिन बहू को लाना नहीं भूलना, शरद का कोई भरोसा नहीं। और कमला तुम भी। कैप्टन हाँ यस। तुम तो मेरी गोद में बैठ के खाना खाएगा बेटे। सॉरी सर, ये खत बोल पड़ेगा सर? हाँ तो नहीं, पुलिस के सामने मुजरिम के साथ बोल पड़ते हैं। आई सी। शीशे में लड़की की सूरत दिखाई देती। सॉरी सर, रिटर्न विटर नहीं, गोपाल। हाँ गोपाल गोपाल, ये आपकी भोजन। दरक दरक। साहब भाभी की चिट्ठी। अब खैर जरा, हम यहाँ ठहरेंगे तो भाभी भूखी रहेंगी, आप भी भूखी रहेंगे। जरा जल्दी जवाब दो। चाचा जी ने रवाने पर बुलाया। रवाना ही जेवन खाने पर बुलाया है। बाबूजी ने जाने का वादा किया, मैं जा सकती हूँ या नहीं आप? अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है? भाभी पूछती है, मैं नहीं पूछती। पूछती तुम बीच में क्यों बोलती? सॉरी मैं मैनेजर। एक वो लड़कियां हैं जो खून करके भाग जाती हैं और एक ये लड़की है जो चाचा घर में बिना जरूरत के नहीं जाती। साहब जवाब दे, कह दे कि चली जाए। लूं जा। तुम जा सकती हो, ले बस। साहब हाँ आ जाऊंगा। मैं मतलब
तुम जाते? फिर मिनट में बोली सॉरी सॉरी जवाब नहीं जवाब नहीं गोरे मुखड़े पर तिल काले का जवाब नहीं गया है गाल गुलाबी ये दिल वाला कहीं हाथ मिले तो चूम लूं मैं कहीं हाथ मिले तो चूम लूं मैं इस दिल को लगाने वाले का जवाब नहीं जवाब नहीं गोरे मुखड़े पर तिल काले का जवाब नहीं खराब हो गई होगी लाओ मैं धो दूं नहीं चाची जी आप तकलीफ न कीजिए मैं धो देती हूं चलो पापा राधा जरा इन्हें ले जा शरद तुम तो कहते थे कुछ क्लू नहीं मिला लेकिन वो तस्वीर जो मिली तस्वीर मिली तो लेकिन तस्वीरें जली हुई इसलिए तो मैं डरा था ना केस बड़ा उलझा हुआ मेरी ये नियत नहीं थी कमला कि वो मर जाए लेकिन तुझे ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी अगर मैं उसे नहीं मारती तो मैं भी तुम्हारे भैया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती सारी जिंदगी उनके सामने आंख उठाकर बात न कर सकती ऐसे आदमी का मर जाना ही अच्छा है लेकिन अब तू क्या करेगी मैं उसे साफ साफ कह दूंगी कि खून मैंने किया है फिर वो चाहे जो मुझे सजा दे नहीं नहीं भगवान के लिए ऐसा मत करना नहीं तो मैं कहीं कितना रहूंगी लेकिन खून तो मैंने किया है ना लेकिन भैया को पता चल जाएगा कि तुम रमेश के पास मेरे खत देने गई थी बाबूजी को पता चलेगा और तुम्हारे नंदोई को पता चल जाएगा तू तो अपने हाथों से मेरा गला घूम हाँ मेरे फाइल देखने लगे हैं तुम्हारे काम की चीज नहीं रख दो सीधा मेरे घर की अफसर हो दफ्तर की नहीं बैठो दफ्तर क्या सर बनना चाहती है मुझे इतराज भरने नहीं है वो तुम्हारी फोटो का क्या होगा मैं फोटोग्राफर के यहाँ से जाकर मैं क्यों ले आती हूँ लेकिन उनके जागू दूंगी इनसे कह दे ड्यूटी पर जा रहा हूँ तेरी ड्यूटी शुरू हो गई तेरा जाग उठा जा
सुना मेरी इजाजत कहाँ है? ओ, रुमाल अभी ले आती हूँ। कोई बात नहीं, मैं अपनी इजाजत खुद ले आया हूँ। कल आज मुझे एक खास काम है इसलिए देर हो जाएगी, तुम खाने पर इंतजार मत करना। और बाबूजी कह रहे थे अगर थोड़े दिन रुक जाते तो। क्यों, क्या मुझे घर जवाई बनाना है? जी नहीं, वो नई नई भाभी आई है ना। भाभी तुम्हारी आई है, रुक मैं जाऊँ? क्यों भैया की अभी शादी हुई है और बहन इतनी जल्दी चली जाए अच्छा नहीं लगता। तो गोया तुम रहना चाहती हो? जी अगर आप इजाजत दे दें। नो, हमें जल्दी जाना है, तैयार हो जाओ। क्या बात है गोपी, जो सुबह सुबह पर बना रही है? तो कुछ नहीं बाबू जी, कप्तान बिटिया को घर ले जा रहे हैं। इतनी भी क्या जल्दी है बेटा, दो एक दिन ठहरी जाओ। ससुराल में ज्यादा नहीं ठहरा करते डैड। बेटा ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। मैं इसे मोर्चे भी नहीं ले जा रहा डैड, अपने घर जा रही और घर भी इसी शहर में। चलो चले कमाल। हाँ बेटा हम ठहरे बेटी वाले। जीजा जी, दीदी को यही छोड़ जाओ ना। ओह नो नो माय बॉय नो। ओके डैड। ओह नो माय बॉय नो। अरे भाई साहब कब आएगा, बस बैठिए भी आते ही होंगे। गुड मॉर्निंग मिस्टर शेर। सलाम सर। सलाम। ओह गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप आ जाइए बैठिए। तुम कहाँ जा रहे हो इस्माइल? वही स्मगलिंग केस के पीछे लगा हूँ। अच्छा हाँ। मैनेजर साहब। यस सर। आप उस लड़की को खूब पहचानते हैं? अजी जैसे आईने में अपनी सूरत पहचानता हूँ, ये होटल मैनेजर की नजर है ना, एक बार चिपक जाती है तो पहचान जाता हूँ। देखिए ना अपने ग्राहकों को। बस 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 बैठ जाइए। इतनी लड़कियाँ? सॉरी सर, पहचानी इनमें से वो लड़की है? यस सर, देखता हूँ सर। नाक ऐसा। पर ये वो लड़की है? जी नहीं। आंखें बिल्कुल बिल्कुल ऐसी सर। पर ये वो लड़की नहीं है ना? जी नहीं, ये नहीं है वो। लेकिन जी मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, बिल्कुल पहचानता हूँ। देखिए वो चेहरा बिल्कुल ऐसा। ये भी वो लड़की नहीं है? जी नहीं, ये भी नहीं है सर। इनमें से वो लड़की यहाँ है? सर वो लड़की बहुत खूबसूरत है। आप लोग जाइए। किसी लड़की के सामने दूसरी लड़की को खूबसूरत कहना बदतर। शंकरेश साहब, फोटो स्टूडियो का पता चला? हाँ ये उसका पता है। वेरी गुड। मैंने किसी को भेजा नहीं हूँ, सिर्फ आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं खुद आ जाऊंगा। वेरी गुड। मिल गया ना? किसी ढूंढ रहा हूँ मैडम, दो मिनट ठहरिए। ओहो, दो साल पहले आपने फोटो खिंचवाई थी, वो फोटोग्राफर तो यहाँ है नहीं। फिर भी ऐसा कीजिए आप कल आइए। कल? कल तो मैं कलकत्ते जा रही हूँ। तो क्या हुआ, भाटिया फोटो सर्विस दुनिया के किसी कोने में फोटो भेज सकता है, हम आपको कलकत्ते भेज देंगे। ओहो यू आर टू लकी मैडम, मिल गया फोटो। मिल गया निगेटिव प्लीज। कितने रुपये? 3 रुपीज प्लीज। ठहरे मैडम, मैं भी आपको चेंज देता हूँ। अरे चली गई 5 रुपीज, 5 रुपया। चलो अच्छा हुआ। कहिए। मैं सीआईडी ऑफिसर हूँ। जी घबराइए नहीं, मुझे नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव? क्यों? आपको भी नेगेटिव चाहिए? आपको भी क्या मतलब? जी एक नेगेटिव अभी अभी एक लड़की ले गई। हाँ मुझे इस फोटोग्राफर नेगेटिव चाहिए। जी इसी फोटो का तो नेगेटिव ले गई, आपको नीचे लिफ्ट के पास नहीं मिली? कहाँ भाभी ले गई? जी हाँ।
उन्हीं का पता चल गया। बड़े खतरनाक लड़की से वास्ता पड़ा है। फोटोग्राफर के यहाँ से नेगेटिव गायब हो गया। कौन कौन ले गए लोग? वही जिसे आप ढूंढ रहे हैं। बड़ी मक्खार लड़की है, लेकिन मैं उसे गिरफ्तार करती रहूंगा। लेकिन आप उसे पहचानेंगे कैसे? तुम पुलिस वालों को नहीं जानती करूंगा। मैं मुजरिम की आंखों में यूं आंखें डालकर देखूंगा और पाप की तस्वीर उसकी आंखों में ना चुपटेगी। तुमने क्यों आंखें बंद कर ली? इसलिए कि मैं नजर ना हूं? नहीं, इसलिए कि मेरे दिल की बात आपने जान ली। वो तुम्हें जान गया जी। तुम्हारी आंखों में मेरा प्यार, मेरी जिंदगी एक पवित्रता है करुणा। पायलस का पायलस कैसा है प्रेम? अरे तू क्या जाने प्रेम, मेरे तो भाग ही फूट गए जो तेरे पल्ले पड़ गई। रोज इंजन की तरह भगभग करता है और मेरे मन की पटरियां तो उखड़ उखड़ जाती है। अरे ऐसा कशाला बोलता है, जानता है? अरे मराठी आदमी दो बात जानती है, एक लड़ाई करना और एक प्रेम करना। मेरे भाग में तो लड़ाई ही लड़ाई है, न जाने प्रेम किससे करता है। किसी से नहीं करती है, सब प्रेम तुमसे करती है। झूठा। सच सच पसंद नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। हाँ सर सर गई शपथ। अरे झगड़ा तुम करता है, हम कहाँ झगड़ा करती है। दैया रे दैया, मार डाला तेरे करता करती ने। तू करता मैं करती, मैं करता तू करती, मार रे मार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने बुलाया? हाँ शरद, वो रमेश मर्डर केस का क्या हुआ? जी कल मैं भाटिया फोटो स्टूडियो गया था, वहाँ जाकर पता लगा कि शायद खुद वो लड़की नेगेटिव आकर खरीद के ले गई है। अच्छा जी हाँ। इसका मतलब ये है कि वो लड़की पुलिस से ज्यादा होशियार है। मालूम तो ऐसे ही होता है। अब क्या करोगे? उसकी हैंडराइटिंग मेरे पास। तो जनरल पोस्ट ऑफिस में अपने सारे स्टाफ की ड्यूटी लगा दो कि वो खत सेंसर किया करे। ये बात नहीं चाचा जी, मुझे पूरा भरोसा, एक दिन उसे मैं आपके सामने यहीं लाके खड़ा कर दूंगा, तब आप मुझे शाबाशी देंगे। वो लड़की खुद चलकर आएगी और कहेगी कि हमारा हैंडराइटिंग तुम अपने हैंडराइटिंग से मिला लो कि मैं खूनी। मजाक कर रहे हैं चाचा जी। जाओ जाओ, मुझे कुछ काम करने दो। लिख पढ़ पढ़ लिख लिख पढ़ के अच्छा अच्छा राजा बेटा बन। लिख पढ़ पढ़ लिख लिख पढ़ के अच्छा अच्छा राजा बेटा बन। अपने लिए नहीं औरों के लिए है ये तेरा तन मन।
मेरा बन। वाह वाह वाह, क्या हो रहा मुन्ना? कुछ नहीं। अरे वाह, क्या मोती जैसे अक्षर हैं। तो आप तो हम का तारीफ करते हैं। अरे मिटाओ मत उसे, मुझे तुम्हारी हैंडराइटिंग की सख्त जरूरत है। आजकल मैं सब औरतों की हैंडराइटिंग देख रहा हूँ। वो किसी कातिल लड़की अपनी चिट्ठी छोड़ गई, कोई ना कोई अपनी निशानी छोड़ ही जाता है। ये देखो बस हैंडराइटिंग मिला कि लड़की पकड़ी गई। मैं भाभी की हैंडराइटिंग बताऊं? हाँ ला ला ला, पुलिस का आदमी, मुझे देखने दो। वाह, अरे वाह वाह, कितना मिलता है ना। तुम्हें बताओ किससे मिलता है? भाभी से। बहुत शरीर है तुम्हें ना। करुणा क्या दिलाओ, बहुत देर से जाए नहीं। सुनवाद का रस्ते माफलेशु कदाचन। क्या बात भगवान कृष्ण ने कही है, कर्म किए जा, फल की चिंता न कर। ये बात इस उम्र में समझ में आती है, पहले सुना करते थे पर समझते न थे। अरे उत्तमचंद जी, आप पिताजी, आपको तो इस वक्त स्टेशन पर होना चाहिए था। हाँ वहीं जा रहा था, बेटी ये कपड़े भूल आई थी, सोचा रास्ते में देखा जा। पिताजी तुम्हें यहाँ लाने की क्या जरूरत है, वहीं रख लेते। बेटा मैं बनारस जा रहा हूँ, मेरा क्या भरोसा लौटूं या न लौटूं। ऐसा न कहिए पिताजी। अच्छा खत जरूर लिखना। हाँ बेटी, अच्छा जीती रहो बेटी, जीती रहो। अच्छा मोहनदास जी, मेरी बेटी। वो आप ही की बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है, आपको चिंता न की। हाँ हाँ, आपके रहते हुए कौन सी चिंता। आइए आइए आइए। कहाँ भाग रही है आप? शाल कहाँ से? पिताजी दे गए हैं। ओह क्या देख रहे हैं आप? देख ही रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि तुम इस शॉल में अच्छी लगोगी या इस साड़ी में जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। नहीं मैं पहन के दिखाती हूँ। अब ये शाल पहन। कहाँ गया शाल? मैं कैसी लगती हूँ? वंडरफुल, ब्यूटीफुल। अरे मुन्ना ये क्या कर रहे हैं? शाल को क्या करेंगे? शाल किसे चाहिए? मुझे तो शाल वाली चाहिए। कमला, कमला, क्यों इतनी घबराई हुई? क्यों कुछ न पूछा कमला? कमला कल इस शॉल ने तो मेरा दम निकाल दिया था, क्यों क्या हुआ? बाबा इससे मेरे कपड़े लपेट कर लाए थे, जब तुम्हारे भैया खूनी का जिक्र करते हैं तो मेरा दम निकलने लगता है, लेकिन तुझ पर तो किसी को शक नहीं हो सकता। तू ठीक कहती है कमला, लेकिन मैं इस दिल का क्या करूं? मुझे उनकी आंखों में प्यार ढूंढना चाहिए, पर मैं तो उनकी आंखों में शंकाएं ढूंढती हूँ। तू तो यूं ही दुखी होती है। मुन्ने का स्नेह, भैया का प्यार, बाबूजी की ममता भी तेरा भय दूर नहीं कर सकती। वो अपराधी था, मर गया, अब तू क्यों उसके बारे में सोचती है? तू अपना ध्यान घर के कामकाज में लगा, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी की चाय तैयार है जी? बस मैं ले ही जा रही हूँ। नहीं आज मैं ले जाऊंगा। आप ले जाएंगी तो क्या हुआ, तुम और काम करो। अच्छा तो देखो तो फिर कहीं झगड़ना नहीं। जी नहीं, मैं कहाँ झगड़ा करती हूँ, ये तो वो क्या बाबू सफाई हो रही क्या? पिताजी ये गाउन बाहर बड़ा खराब हो रहा है, इस अलमारी में रख दो। कहीं भी रख दे बेटा, अपने भावना की दुनिया में रहता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं। इसलिए कि मैं नजर ना हूँ? इसलिए कि मेरे दिल की बात आपने जानी। वो तुम्हें जान गया, तुम्हारी आंखों में मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, तुम चिंता है करना। भैया भैया मेरा खिलौना टूट गया भैया।
इससे कैसे ठीक करो तो दूसरा ला दूंगा। नहीं मुझे तो यही चाहिए। छोड़ मत बता मम्मा, इन्हें काम करने दो, इसे ऊपर ले चलो, मैं ठीक कर देती हूँ। लीजिए चाय। ये क्या, मुझे भी बहुत काम है। मैंने काम छोड़ा अब? पल्लू छोड़े फिर बता। मैंने छोड़ा पहले अपना काम खत्म करो। इतना बुखार कैसे आ गया? काम थोड़ा करती है, सुबह से शाम तक चक्की की तपिश्ती है और किसी को कुछ करने नहीं देती। याम जो वही नहीं है ना, भाभी सब काम खुद ही करती है, हमको हाथ भी लगा देती है, बीमार नहीं पड़ेगा तो क्या अच्छा रहेंगी। अब अगर बीवी जी रसोई घर में आई
तो कह देती हूँ हाँ, किसी का कहा मानती नहीं। ये चालो बीबी। भला पूछो बुखार ने इस देवी से क्या लेना है, पहले ही से धान पाने बेचारी। अरे मुन्ना, ये तू रस किसके लिए निकाल रहा है? आपकी देवी जी के लिए। देवी जी तो चाय पी रही, रस नहीं पियेंगे, समझे? बहुत अच्छा, देवी जी नहीं पियेंगे तो हम पी लेंगे। शरद, उस केस की इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। कौन सी बाबूजी? वही मर्डर केस। वर्मा कहता था इस केस के बाद तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। तरक्की छोड़िए बाबूजी, मुझे तो अपने रिकॉर्ड के खराब हो जाने का खतरा है। ऐसी औरत से पाला पड़ा है कि पुलिस भी पनाह मांग गई। कभी कभी डर लगता है कहीं आसपास ही ना घूम रही हो। अरे आसपास तो तुम्हारे बहू घूमती है। और मैं हैरान हूँ बाबूजी, औरत जो समाज में देवी समझी जाती है, इसका शैतान और मक्कार भी हो सकता है। सुना बहू तुमने, शरद को औरतों के बारे में ये ख्याल है? ये बात नहीं बाबूजी, लेकिन मेरा ख्याल है बाबूजी, पुलिस उस औरत को उसके जुर्म से ज्यादा मुजरिम समझ रही है। मुमकिन है जो आदमी मारा गया है वो जिंदा रहने के काबिल ना हो। हाँ, ये भी हो सकता। मैं बहू की राय से इत्तेफाक करता हूँ बाबूजी, हो सकता है कि वो आदमी मुजरिम हो, लेकिन आपकी बहू एक ऐसी औरत की तरफदारी कर रही है जिसने खून करने की बाकायदा साजिश की। आप कैसे जानते हैं कि उसने साजिश की है? खून इत्तफाकिया भी हो सकता है। इत्तफाकिया? उस बेचारे के सर पर उस जलील औरत ने इतने वार किए कि वो बेचारा वहीं कोई ढेर हो गया। क्या गलत है? क्या गलत? यही कि बिना जाने बुझे किसी पे इल्जाम लगाना अच्छा नहीं। मुमकिन है वो आपका बेचारा उस औरत की इज्जत को मिट्टी में मिला देना चाहता हो। उसे जलील कहने का आपको क्या हक है? बाबू जी, अगर वो जलील नहीं है तो अपने आप को पुलिस के हवाले न कर देती। औरत को अपनी और अपने खानदान की इज्जत मर्दों से ज्यादा प्यारी होती है। मुमकिन है किसी मजबूरी की वजह से वो अपने आप को आपके हवाले नहीं कर सकती। तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे तुम उस औरत को अच्छी तरह जानती हो। मैं उस औरत को नहीं, औरत को जानती हूँ, औरत के दिल को जानती हूँ। औरत की इज्जत ही उसकी आत्मा है। वो अपने शरीर को जालिम के पंजे से बचाने के लिए खतरनाक से खतरनाक जुर्म कर सकती है, लेकिन आपका कानून जिसम के खूनी को खूनी समझता है, आत्मा के खूनी को खूनी नहीं समझता, उसे कोई सजा नहीं। डिफेंस काउंसिल, क्या हो गया? बाबूजी के सामने तुम अपने आप को संभाल। वो बात है कि मेरी एक सहेली है, वो भी इसी तरह एक आदमी की जान में फंस गई थी। जब मैं उसे आखिरी बार मिले तो उसके चेहरे की सारी कोमल बन चुकी थी। बेचारी उसके सागर में डूब गई थी। वो आदमी उसे छोड़कर चला गया था ना, इसलिए तुम जब आप उस आदमी से बात करते हैं तो मुझे अपनी सहेली की याद आ जाती है। अब मैं समझा करूंगा, फिर तुम्हारी सहेली का क्या हुआ? होता क्या, बेचारी आत्महत्या करके संसार से चली गई। बेचारी, तभी तुम इस तरह परेशान हो गई। और मुझे माफ कर दीजिए, इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं करूंगा। दरअसल दफ्तर के किस्से मुझे ही घर में नहीं लाने चाहिए थे। चलो कपड़ा बदल लो, तुम बाहर चले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। खूनी का पता नहीं चला ना? जी नहीं चाचा जी, मैंने लाश सर पटका लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन मैं मायूस नहीं, मैं मुजरिम को जरूर गिरफ्तार करूंगा। शरद, मेरा ख्याल है कि इस केस को क्लोज कर दिया जाए। मैंने फाइल पढ़ी है, इस पर वक्त जाया करना बिल्कुल बेकार है। लेकिन इस केस को क्लोज, इसमें कुछ नहीं है शरद। सर, ये मेरा पहला केस है जो मुकम्मल होने से पहले क्लोज हो रहा है, आप मुझे मौका दीजिए। मैं ये बिल्कुल मुर्दा है शरद, मुर्दा। लेकिन मेरा रिकॉर्ड चाचा जी, हो सकता है इसी में कोई बेहतरी हो। बेहतरी? उस बदमाश औरत की वजह से मेरे रिकॉर्ड में धब्बा लग गया। तुम अपनी नाकामी पर झिल्ला उठे हो सकता है वो औरत अब
मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा कर रही हो? नहीं चाचा जी, ऐसी औरतों का आजाद रहना सोसाइटी की मौत है, और अपने नाकामी में बेहतरी तलाश करना ये अपनी कमजोरी है। मुझे शक्ति दो भगवान, अब मैं चुप नहीं रह सकती। मेरा दिल भी कसूर का नहीं है भगवान, मैं आपसे सब कुछ कह दूंगी, सब कुछ कह दूंगी भगवान, सब कुछ कह दूंगी कि मैंने रिकॉर्ड की वजह से एक दिन पुलिस का सबसे बड़ा अफसर बन सकूंगा, लेकिन ये पहला केस जो मेरे हाथ से निकल गया। निकल गया? चाचा जी ने रमेश मर्डर फाइल का केस ही बंद कर दिया। फाइल बंद कर दिया? साथ साथ मेरी तरफ से सारे रास्ते बंद हो गए। ऐसा न कहिए भगवान, भगवान आपकी तरफ के और रास्ते खोल देगा। जो कुछ होता है बहुत अच्छा होता है, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। चाचा जी की तरफ तुम भी मुझे बुला रही, चाचा जी भी कह रहे थे कि किसी में कुछ भलाई है, सभी मुझे तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन मैं सब समझता हूँ करुणा, मैं बच्चा नहीं।
कन्हैया प्यार से मुझे बचाएगा, किंतु राधा कन्हैया से मिलने कैसे जाए? लोकलाज का भय, संसार का डर, वो कैसे जाए? देखना चाहता हूँ। देखो ना कमरा कैसे चमक रहा है। मेरा चांद जो जगमगा रहा है। करो ना, मैं कितना खुश हूँ, कितना सुखी हूँ। और हम सारी जिंदगी इसी तरह सुखी रहे। रात भर नींद नहीं आई, खाली देखता रहा, तारे गिनता रहा कि कब सुबह और आपके पास जा पहुंचूं। घबराने क्या बात है, पार्टी का इंतजाम तूने फर्स्ट क्लास किया था। जी नो नो सर, वो बात नहीं सर। वो फिर क्या बात है सर? मैं तो एक ऐसी खबर लाया हूं कि आप सुनेंगे तो उछल पड़ेंगे। अच्छा, तो ऐसी खबर होगी तो मैं तुम्हें नाम दूंगा।
सर, और अगर ऐसी खबर ना होगी तो मैं आपको इनाम दूंगा। क्या खबर है भाई? खूनी का पता चल गया। कौन सा खून? अरे वही इंपीरियल होटल वाली रमेशी खातिर। अच्छा शंकर, इंपीरियल होटल मर्डर केस का फाइल निकालो जल्दी। ओके सर। तुमने कहा लेके उलट? ये सर, सर वो ये लो भाई, ये लो। देखो मैं तुम्हें और इनाम दूंगा। तुमने जो काम किया है वो मैं नहीं कर सका। तुमने एक मुर्दे केस को जिंदा कर दिया। तुम बताओ वो लड़की कहाँ देखी तुमने? सर आप ये घर में देखिए। मेरे घर में? जी हाँ, कल पार्टी में आई हुई थी। पार्टी में तो बहुत सी लड़की आई हुई थी। कौन सी? अरे वही वही जो आपसे बातें कर रही थी, लंबी सी, बड़ी बड़ी आंखें, भरा भरा चेहरा, वही गोल्डन बॉर्डर की साड़ी पहनी हुई थी, गुलाबी रंग की। वो बाला पे फूलों के गुच्छे। हाँ, बालों गुच्छे लटक रखा था। और डायमंड इयर रिंग कान में थे। जानते हो कौन है? वो रमेश शिकायत थी। नहीं, मेरी बीवी है। वो तो नहीं हो सकती सर। वो तो आपकी वाइफ है। मेरा बाप दादा कहेगा वो नहीं। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। देखिए ना, आंखों में काला भी सफेद भी, सफेद काला देख ली थी, काले का सफेद। आई एम सॉरी सर। बिल्कुल सुन ना, जाने वो नहीं हो सकती थी। बिल्कुल नहीं। क्या क्या खबर लिए चले आते हैं सर। फाइल ले जाओ वापस। अच्छा सर, जा तू। जल्दी आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक नहीं? तबीयत ठीक नहीं है करुणा, शायद थोड़ी सर्दी हो गई। जब मैं रुमाल था मैं ला दूंगी। अरे तेरी रुमाल किसका है? तुम्हारा? मेरा? आप मेरा रुमाल भी नहीं पहचानते? ये लिखा हुआ तुम्हारे सिवा किसका हो सकता है? ये नाम की कोई और होगी। बताइए किसका रुमाल है? कमला के घर गया था, शायद उसी का होगा। ये कमला की बुनाई नहीं है। सच बताइए किसका रुमाल है ये? उसी का होगा। और किसका? तुम तो बिल्कुल वकीलों की तरह जरा कर रही हो। जानते नहीं, मैं बड़े वकील साहब की बहू। हाँ जानता हूँ। ना गया है। हाँ। चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर लो। अच्छा चलिए। स्विस एयर फ्लाइंग टाइम बॉम्बे टू कराची टू। अरे बाप रे इंस्पेक्टर, जी वो बात ये सर। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। वो बात ये जी, मुझे चले जाना चाहिए था, आधी देर हो गई है, एक जरूरी काम से। वो देखिए फिर आ जाकर सर। जी वो तो मैंने पहले कहा, वो तो मुझसे गलती हो गई थी। वो तो आपने भाई सर, वो कभी हो ही नहीं सकती। जी मुझसे हो गई जी, ऐसे हो सकता है। मैंने घर जाके पता लगाया कि मेरी बीवी ने उस दिन गुलाबी साड़ी नहीं पहनी। ये सर यही तो मैं कह रहा था कि उसने गुलाबी साड़ी नहीं पहनी हुई थी। देखिए ना, आपकी वाइफ यानी मिसेस होटल में आकर एक आदमी का खून अपने हाथों से कर सकती? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। पहचान सकते हो? बिल्कुल पहचान सकता हूँ, लेकिन अब मुझे वो कहाँ मिलेगी? हाँ आप ऐसा कीजिए, फिर से पार्टी कीजिए, मैं फिर से सब बंदोबस्त करता हूँ, फिर से वो लड़की आएगी और फिर से मैं उसको पकड़ लूंगा। ये वो लड़की? ये फर्क इतना है कि वो उस दिन इसके चेहरे पर छोटी 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 बिंदियां लगी हुई थी, जैसे शादी करने जा रही हो। लेकिन ये वही लड़की है? बिल्कुल वही है। देखिए ना, बड़ी बड़ी आंखें और भरा भरा चेहरा। ठीक से पहचानो।
जी वो नहीं है जी, मुझसे गलती हुई, मैं नहीं कुछ जानता, मैं मुझे इनाम नहीं चाहिए, देखे ना मैं आजकल बहुत गलती है। मेरा खून हुआ तो उस वक्त तुम्हारे साथ कोई था? जी बॉय 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 इधर आओ बॉय। यस सर। ये था जिस लड़की को तुमने देखा? जी हाँ, यही तो वो लड़की जो उस दिन आई थी। जी क्या कहा था मैंने? वो बात ये थी, अगर आप चाहें तो इस लड़की ने खून किया, और आप चाहते हैं तो इसने नहीं किया। बात ये देखिए, आंखें धोखा खा सकती है। आई एम सॉरी सर। देखिए बातें कर रहे हैं जैसे तुम सौरभ को अच्छी तरह जानती हो। मैं सौरभ को नहीं, औरत को जानती हूँ, औरत के दिल को जानती हूँ, औरत के सच में उसकी आत्मा है। वो अपने शरीर को जालिम के पंजे से बचाने के लिए खतरनाक से खतरनाक जुर्म कर सकती है, लेकिन आपका कानून जिस मुझे खूनी को खूनी समझता है, आत्मा के खूनी को खूनी नहीं समझता, मुझे कोई सजा नहीं। डिफेंस काउंसिल, जेब से भी तो लड़की का रुमाल निकला था। मैंने कहा ना वो कमला का था। तो मैंने भी तो पिताजी को खत लिखा है। तो पिताजी चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं भी पिताजी को खत लिखना चाहता हूँ। सच? तो मैं लिख दूँ? लिख दीजिए, पिताजी बहुत खुश होंगे। अच्छा, तो फिर आप ही पोस्ट कर दीजिएगा। कल तक पोस्ट हो जाएगा। भूलिएगा ना साहब। शर्मा जी आए हैं। बैठिए शर्मा जी। थैंक यू। क्या रिपोर्ट है आपका? राइटिंग सेम है सर। सेम? आपने बराबर देखा? जी हाँ, आप भी मुलाहिजा फरमाइए। माय डियर रमेश, मुझे आपकी मोहब्बत झूठी मालूम होती है, और ये दूसरा फर्क। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ पिताजी। अब पिताजी का था और मोहब्बत का था, दोनों एक से। और ये माइक माँ और ये माँ बिल्कुल एक से। शर्मा जी, ये भी तो हो सकता है कि दो शख्स के हैंडराइटिंग एक से हो। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, इसमें आपको कोई फर्क नहीं नजर आ रहा? फर्क है। क्या फर्क है? ये खत आज से 2 साल पहले का लिखा हुआ है और ये आजकल का। यानी एक ही शख्स ने ये दोनों चिट्ठी लिखी? जी हाँ, कतई एक ही शख्स। आप जा सकते हैं। आज चांद इतनी जल्दी निकल आया? अब किस मुकदमे की सोच रहे हैं आप? मुकदमा? नहीं तो? नहीं तो क्या, ये दफ्तर नहीं घर है। आज मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। कहाँ चलोगी? घूमने, सैर करने, सिनेमा देखने। क्यों नहीं चलोगे ना? यार क्या हो गया तुम्हें? क्या मुझसे भूल हो गई? मैं सोच रहा था करुणा, क्या तुम कभी भूल कर सकती हो? कोई भूल नहीं कर सकती, कोई भूल नहीं कर सकती। बहू, बहू, मैं अपनी आई।
बेटी जी रुपए अपने पास रख लो। किस लिए बुलाया था बाबूजी ने? ये रुपया रखने के लिए। लो, दो किलो। अरे ये चाबियां कहाँ गई? कौन सी चाबियां? अलमारी की। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मैं रखी होगी। दीजिए ना। पर मुझे तुम्हारी चाबियों की क्या जरूरत? पर मुझे रुपये रखने हैं, लाइए ना। समझ गया, लेकिन शायद तुम नीचे भूल गई होंगी, नीचे जाके देखो। तलाशी लेने को। तलाशी? नहीं। क्यों? आज भी जेब में किसी लड़की का रुमाल है क्या? हाँ वो तो है, देखना तुम्हें। बड़े वो हैं आप, मुझे नीचे ऊपर दौड़ा करें और चाबियां जेब में छुपा ले। क्या मजा मिलता है इसमें तुम्हें? ड्यूटी पर जा रहा हूँ करूँगा। इसमें हम पुलिस वालों के लिए वक्त कर रहे हैं। बस आखिरी बार। आखिरी बार? हाँ करूँगा, ये काम खत्म हो गया इसके बाद मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। नौकरी क्यों? इसलिए कि शायद मैं तुम्हें कभी सुख नहीं पहुंचा सका। आप नहीं जानते मैं कितनी सुखी हूँ। मैं तो चाहती मेरी सारी जिंदगी बस यहीं गुजर जाए। मैं भी यही चाहता हूँ करुणा, और भगवान ने चाहा तो यही गुजर जाएगी। अभी इसकी फोटो प्रिंट निकाल के दो। अभी? हाँ अभी, बहुत जरूरी है। मैं ऑफिस में इंतजार करूंगा, समझे?
इंस्पेक्टर साहब फिंगरप्रिंट तैयार हो गए। लाइए मैं मिला दूँ, किससे मिलाना? मैं रख दूँ, मैं देख लूंगा। अच्छी बात। इस वक्त सारे फाइल बड़े साहब को पहुंचा दो। बहुत अच्छा सर। बुला रहे हैं आपको। अरे साहब घर बुला रहे हैं? जी नहीं, वो अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। ऑफिस में इतनी जल्दी आ गए? सुबह हो गया। अच्छा वेरी गुड। ये फिंगरप्रिंट सर, तुमने मुर्दा केस को जिंदा कर दिया। मैंने केस को क्लोज कर दिया था लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी। क्या हुआ? तुम बहुत टायर्ड मालूम होते हो। जी हाँ चाचा जी, मैंने रात भर काम किया इसलिए। वेरी गुड। तुमने खूनी को गिरफ्तार करने का इंतजाम कर लिया? जी नहीं, इसलिए आपके पास आया। क्यों, कौन है वो? वो एक पुलिस अफसर की औरत है। पुलिस अफसर? मेरे घर की बहू और उनके ससुर यहाँ के नामी आदमी है। ससुर का नाम क्या है? बैरिस्टर मोहनदास। बैरिस्टर मोहनदास, तुम कौन की बात कर रहे हो? ये क्या मजाक है? आशय मजाक होता चाचा जी, लेकिन ये सच है। ये कैसे हो सकता है? जो औरत एक चिट्ठी नहीं मार सकती, वो एक इंसान का खून कैसे कर सकती है? झूठ है, बिल्कुल झूठ। आप गिरफ्तारी के वारंट पर दस्तखत कर? नहीं, मैं ये कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। बेटे, हमें सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। ये हमारी इज्जत का सवाल है, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मैं अब क्या करूं चाचा जी? अब क्या करूं? शरद, ये उसी रात की बात है ना जिस रात तुम्हारी शादी थी? जी हाँ। फिर ये कैसे हो सकता है कि वो शादी की रात बाहर गई और खून करके वापस चली आई और किसी ने नहीं देखा? क्या वो अकेली थी? जी नहीं, कमला साथ थी। अपनी कमला? जी हाँ, उसकी सहेली। क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ। भैया मैं कसम खाकर कहती हूँ, करुणा कहीं नहीं गई थी, घर ही पर थी। तो कमरे का दरवाजा क्यों बंद था जिसमें तुम दोनों थी? वो कपड़े बदल गई थी, मैं उसका सिंगार कर रही थी। जब सहेलियों ने दरवाजा खटखटाया तो करुणा कहाँ थी? कमरे में। यानी बारात आने से पहले वो आ चुकी थी? हाँ। चाचा जी, इसका मतलब ये कि वो बाहर गई थी। तुमने ये क्यों क्या कर रही? चाचा वक्त बर्बाद लेकर चली आई। नहीं भैया,
मोहन भैया। अरे आओ आओ वरना आओ। ये लाहो लश्कर के साथ कहां से आ रहे हो? मैं तुम्हीं से मिलने आया। आ बैठो, मैं बहुत से कहता हूँ तुम्हारे लिए चाय बनाए। बहुत नहीं नहीं चाय की कोई जरूरत नहीं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कैसे। तुम क्या कहना चाहता है? मेरा शर्त अच्छा है। शरत शरत तो ठीक ही है भैया, मैं बहुत मजबूर होकर तुम्हारे पास आया हूँ। काश मैं पुलिस अफसर न होता। ठीक है, वारंट। वारंट 302 करुणा देवी, मेरी बहू। तुम्हारा दिमाग को ठिकाने है ना? मेरी बहू का वारंट लेकर आए, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमसे गिरफ्तार करने आया? ये मेरी ड्यूटी, मेरा फर्ज है भैया। मैं कानून से मजबूर। तुम मुझे कानून सिखा रहे हो? मैं तुमसे ज्यादा कानून जानता हूं। तुम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। बताओ मेरी बहू ने क्या किया? बताओ क्या किया? मैं बताता हूं बाबूजी। आपकी बहू ने उनके लोटे में रमेश का खून किया है। तुम दोनों के दिमाग का खून हो गया। अब वो मासूम सी बच्ची किसी का खून कर सकती है? शरत मेरी बहू किसी का नहीं खून कर सकती। अगर वो आपकी बहू है तो मेरी पत्नी भी है। आपका दुख मुझे भी है बाबू जी, लेकिन मजबूर हूँ बाबू जी। हाँ जाओ, उसे गिरफ्तार करो, मेरा जुलूस निकालो। बहू गिरफ्तार करने आ रहा, जिन हाथों से तुम्हें कंगन पहनाए थे, आज उन्हीं हाथों से तुम्हें हथकड़ी पहनाने आ रहा है। बहू, जिन बाजारों में से तुम्हें पालकी में लेकर आया था, उन्हीं बाजारों से आज कैदी बनाकर ले जाएगा। बहू मेरी बहू जान देती मगर नहीं जाएगी। वो यही कर लोगी एक्टी साहब? वो नहीं जाएगी, मेरी बहू ऐसी नहीं है। एक्टी साहब, एक्टी साहब। आधियां गम की।
एक रूप है, दर्द पलता है दिल में तो पलने भी दे, जल सके जब तलक शमा जलने भी दे, आंधियां गम की। जिंदगी दे रही है तुझे ये सदा, जाने वाले न जा, मेरी महफिल में आ, जाने वाले न जा, मेरी महफिल चलने भी दे, जल सके जब तलक शमा जलने भी दे, आंधियां गम की चलती है चलने भी दे, जल सके जब तलक शमा जलने भी दे, आंधियां गम की। हवालात में बंद करा है? नहीं बाबू, जिसका कुछ पता नहीं चला। पता नहीं चला? बेटा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, हम दोनों मिलकर उसे बचा देंगे। शायद उसने कुछ नहीं किया बाबू, जो हाथ होंगे। अरे सीधे साधे बच्चे ऐसे ही होते हैं, इम्तिहान में फेल हुए और घर से भाग जाएंगे। शायद मेरी बात तो सुन। शायद बहुत जिद्दी लड़की नहीं है बाबूजी। तुमने लोगों की सुनी सुनाई बात पर यकीन करते हो? अरे वो बहुत जिद्दी लड़की, तो अपने दिल से पूछ ले। उसने रमेश को चिट्ठियां लिखी। चिट्ठियां? हाँ, प्यार की चिट्ठी। तुम ऐसी नीच बात सोच सकते हो, और वो भी मेरे मुंह पर कह सकते हो तुम? बाहर गई बेटा, तुम झूठ बोलते हो, गोपी भी झूठ बोलते हो। अभी आएंगे बेटा, अभी आएंगे। बाबूजी, बाबूजी परेशान है, ये कहीं और परेशान ना करो। भाभी कहाँ है बाबूजी? भाभी आ जाएगी बेटा, तेरी भाभी आ जाएगी। नहीं, मुझे भाभी के बिना नींद नहीं आती। मैं क्या करूँ मुन्ना, बोल मैं क्या करूँ, क्या करूँ मुन्ना। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं, परेशान मत करो। मुझे गोपी बत्ती बुझा दे। आज रात जिस घर में भला किसको नींद आएगी? भैया, नहीं मालूम मुन्ना, अब नहीं आएगी, शायद कभी ना आए। क्यों? जा सोने जा। नहीं भैया, मुझे भाभी के बिना नींद नहीं आती। मुझे तंग मत करो मुन्ना, तुम सोने जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा भैया जी, मैं नहीं जाऊंगा। भाभी तुम रो रहे हो? चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ। तुम कहाँ चली गई थी? अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। सोचो
क्या कर डाला करूंगा, सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। काश रमेश की बजाय तुम मेरा खून कर देती, मुझे ये दिन तुम्हें देखना पड़ता। इन्हीं हाथ में मैंने एक दिन कंगन पहनाए थे, अब इन्हीं हाथों में मुझे हथकड़ियां पहनानी पड़ेंगी। तो कहाँ चले गए थे बेटा, बता मुझसे क्या हुआ, बता बोल। से जो कुछ बताना पुलिस ऑफिस में बताया। नहीं बेटा इसे मत ले जाइए, मेरे घर की इज्जत है, तेरी पत्नी है, सब मेरी बात सुन। शरद, शरद, बहू मुजरिम हाजिर है सर, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, अब आप ये संभालिए। लेकिन इस केस को मुकम्मल कौन करेगा? मेरी दरखास्त है कि ये केस मुझसे ले लिया जाए। मैं समझ गया शरद। इंस्पेक्टर इस्माइल। इस्माइल, ये केस तुम अपने हाथ में ले लो और इन्हें हवालात में बंद कर दो। जी मैं। एसपी साहब कहाँ? अंदर है साहब। अपनी ड्यूटी पूरी कर ली ना? अब ये केस मेरे हाथ में नहीं रहा बाबूजी, इनके हाथ में चला गया है। तुम दोनों साजिश कर रहे हो मेरे घर को तबाह करने के लिए। अगर तुम पुलिस वाले हो तो मैं भी वकील हूं। कैसी बातें कर रहे हो, वो मेरी ही बहू है भैया। मर गया तुम्हारा भैया। मैं इस वक्त मोहनदास बैरिस्टर हूं और जमानत देने आया हूं बहू की। जमानत सेशन कोर्ट में होगी, ये सेक्शन 3(2) का मुकदमा है। जुर्मा भी साबित नहीं हुआ है, पुलिस की निगाह में साबित हो चुका है। तुम्हें इसका सबूत देना होगा। पुलिस अदालत में सबूत दे। मैं तुम पुलिस वालों की चालों को खूब समझता हूं। मैं मुलजिमा का वकील हूं, मुकदमे के बारे में उससे बातचीत करना चाहता हूं। मुझे मिलने दोगे या नहीं? कहां जा रहे हो? मेरे साथ आइए। इस्माइल लॉकअप खोल लो, जाइए। मुझे तन्हाई चाहिए। इस्माइल। यस सर। मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा, मोहनदास का भी मुकदमा हारना नहीं चाहता। मैं पुलिस वालों को खूब जानता हूं, लेकिन बेटी मुझसे कुछ मत छिपा, साफ साफ कह दे मैं तेरा वकील हूं। हां मैंने खून किया है बाबूजी। बेटी सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं होता। बचपन की एक भूल जिंदगी भर का दाग नहीं बन सकती। अच्छा मुझे ये तो बता, मरने वाले आदमी से तेरी पहचान? बाबूजी मुझ पर सारी दुनिया के इल्जाम लगाइए मगर ये मत कहिए मैंने कभी ध्यान में भी ऐसा पाप नहीं किया। मेरे एक ही देवता है और वो आपके बेटे। बस
बस अब मुझे कोई चिंता, मेरी बहू रानी गंगा की तरह पवित्र है, अब मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं। मिलॉर्ड एंड जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, होटल बॉय के बयान से होटल मैनेजर के बयान और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर वर्मा की तफ्तीश से और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स और वो तमाम एग्जिबिट जो कि अदालत आलिया में पेश किए जा चुके हैं, ये बात साफ तौर पे साबित हो चुकी है कि मुलजिमा ने ही मिस्टर रमेश का खून किया है और मिस्टर शरद जो एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है, मुलजिमा खुद उनके सामने इकबाल जुर्म कर चुकी है। मिलॉर्ड, मेरे फाजिल दोस्त ये चाहते हैं कि इस मुकदमे को अदालत पुलिस की तफ्तीश की रोशनी में देखे, लेकिन कानून कोई अंधे की लाठी नहीं है जो गुनहगारों के साथ बेगुनाहों का गला भी काट दे। शरद एक पुलिस ऑफिसर है और इसके बयान की कोई हकीकत नहीं। मिलॉर्ड एंड जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, मिस्टर शरद एक पुलिस ऑफिसर है लेकिन वो मुलजिमा के शौहर भी, और एक शौहर अपनी बीवी को बचाने के लिए झूठ बोल सकता है लेकिन उसे सजा दिलाने के लिए झूठ कभी नहीं। ये सच है मिलॉर्ड, मगर एक चालाक मुजरिम बेगुनाहों को फंसाने के लिए ऐसे तरीके इस्तेमाल करता है जिन्हें एक ईमानदार पुलिस अफसर अपने अक्ल के तराजू में तौल कर अपनी बीवी के आंचल खींच लेता है, बात से पगड़ी उछाल देता है, मगर ये नहीं जानता कि अक्ल के अंदाजे गलत भी हो सकते। ये पुलिस पर इल्जाम लगा रहे हैं मिलॉर्ड, पुलिस ने जो सबूत पेश किए हैं वो अंदाजे नहीं है। ये शॉल का टुकड़ा, ये फिंगरप्रिंट, ये खत, ये घड़ी जिससे खून किया गया, ये सब कुछ पुलिस के अकल के अंदाजे हैं। ये शॉल का टुकड़ा उसका है? जी हाँ, इसलिए इस पर क्या लिखा है? मिलाओ, ये किसी का भी हो सकता है, कृष्णा, कांता, कामनी, कोई भी हो सकती या नहीं? हो सकती, लेकिन आप उनसे पूछ सकते हैं ये शॉल का टुकड़ा उन्हीं का। ये शॉल का टुकड़ा उनका इसलिए तुम कहते हो खून भी उन्होंने किया? ये नहीं, जिस घड़ी से खून हुआ था उस पर मुलजिमा की उंगलियों का निशान है। मिलॉर्ड, पुलिस ने घड़ी का वक्त बदल दिया था कि नहीं? ये नहीं, सबूत तहकीकात के दौरान इस घड़ी की तस्वीर ले ली गई। ये तस्वीर? जी हाँ। मिलॉर्ड, दिस इज द पॉइंट आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड। घड़ी 11:15 बंद हो गई, मुलजिमा 11 लग्न मंडप में थी, पंडित ब्याह के मंत्र उच्चारण कर रहे थे और पुलिस सुपरिंटेंडेंट मिस्टर वर्मा दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे थे और ये पुलिस अफसर दुल्हन के हाथ को पकड़कर जिंदगी भर दुख सुख में साथ देने का वचन दे रहा था। वाह मिलॉर्ड, ये पुलिस अफसर कहता है कि एक ही वक्त में लड़की की शादी हो रही थी, खून भी हो रहा था, क्या ये मुमकिन है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस लड़की ने खून नहीं किया, वहां कोई और भी हो सकता था या नहीं। हो सकता था, लेकिन पुलिस मैं इतना ही जानना चाहता हूं। मिलॉर्ड, यह खून उसी आदमी ने किया है जो वहां मौजूद था। मेरा मतलब यह नहीं कि करुणा देवी होटल में नहीं गई, जरूर गई होगी, और इसने अपने आप को बचाने के लिए इस घड़ी का इस्तेमाल किया। इसकी वार से रमेश की मौत नहीं हुई, वहां कोई और भी रहा हो जिसने उस घड़ी को इसके चले जाने के बाद उसके सिर पर इतने जोरों से मारा, घड़ी का स्प्रिंग टूट गया, उसकी मौत वाकई हो गई। वो आदमी कौन था पुलिस जिसका अभी तक पता न लगा सकी? मिलॉर्ड, इंसाफ का तकाजा है तो उस आदमी को अदालत में हाजिर किया जाए। मिलॉर्ड एंड जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, प्रधान आदमी रमेश को क्यों मारेगा? इसकी कोई वजह होनी चाहिए। मुलजिमा रमेश का खून क्यों करेगी? इसकी भी वजह होनी चाहिए। वजह मौजूद है, मुलजिमा रमेश को खत लिखा करती और जब इसकी शादी होने लगी तो इसे जो खत का महसूस होने लगा कि कहीं मेरी मोहब्बत का राज मेरे होने वाले शहर पर ना खुल जाए, इसलिए इस खटके को दूर करने के लिए इस लड़की ने रमेश का खून कर दिया। ये लड़की
जो देखने में इतनी सीधी सादी मालूम होती है, जो इतनी भोली भाली मालूम होती है, हकीकत में बिल्कुल ऐसी नहीं है। मिलॉर्ड, ये रहम की बिल्कुल मुस्तक नहीं, इसे सख्त से सख्त सजा दी। नहीं नहीं, ये हक करुणा के नहीं मेरे, ये पाप करुणा का नहीं मेरा है। मैं कायर हूँ, पाप करके आज तक छुपाती रही, सदा मुझे मिलनी चाहिए। कमला, नहीं कमला, ये तुम क्या कह रही हो? कमला, मैं सौगन खाती हूँ, मुझे पिताजी के चरणों की सौगन, मुझे भैया के प्यार की सौगन। मैं सच कहती हूँ, मेरी भाभी मुझे बचाने के लिए वहां गई थी, वो मेरे भैया की इज्जत की खातिर वहां गई थी। अगर उसने खून भी किया है तो मेरे लिए किया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे सजा दीजिए। ले जाओ, ले जाओ। I'm sorry, my lord. ऑर्डर, ऑर्डर, इन्हें अदालत से बाहर ले जाओ। आप बाहर आइए। मैंने अपराध किया, मुझे सजा मिलनी चाहिए। आप बाहर आइए। मेरी भाभी ने सोच, मिलॉर्ड, मेरे मुअज्जिज दोस्त की तबीयत कुछ खराब हो गई, इसलिए मैं इल्तिजा करता हूं कि मुकदमा मुलतवी कर दिया जाए। मिलॉर्ड, मुकदमा कल पर मुलतवी किया जाता है। बाबूजी, जी चलिए। जरा बाबूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूं बाबू। बाबूजी, तुम छोड़ो मुझे, जा जा तुम जाओ, जा जाओ। एक मिनट करुणा, करुणा, अब मैं समझ गया कि तुम मेरी बहन को बचाने के लिए सब इल्जाम अपने सर पर ले रही थी। करुणा, मैं अपराधी हूँ, मैंने तुम्हारे प्यार पर शुभ किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन लेकिन एक बात बता दो, अब तुम किसे बचा रही हो? मुझे महसूस हो रहा तुम किसी को जरूर बचा रही हो। किसी को नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। करुणा, सिर्फ इतना जानते कि खून मैंने किया। देखो, होने तो होगा ही, लेकिन मेरे बाद अगर मेरी याद आए तो यकीन रखना, मैंने तुम्हारे विश्वास को कभी नहीं तोड़ा, कभी नहीं तोड़ा। मैं जानता हूँ करुणा, लेकिन लेकिन अब मैं क्या करूँ? भगवान पे भरोसा रखो, इंसान का वही आखिरी सहारा है। सर, मुझे बहुत अफसोस है ये जो कुछ आपके साथ हुआ है। सुनो जी, तुम जानते हो वो औरत कौन है? कौन सी? वो जो गाड़ी में बैठ के गई, 6184। जी नहीं, मैंने उधर ध्यान नहीं दिया। फिर क्या देख रहे थे उस तरफ? मैं तो आपको देख रहा था, अगर आपकी तजदीदी में अपना हाथ बता सकूं तो मेरी खुशकिस्मती है। तुम्हारे पास वक्त है अभी? या तुम मेरे साथ चल सकते हो? कहाँ? आर्थर रोड जेल, इधर। पिताजी के नाम पर पट्टा लगा, आपको बदनाम किया, मुझे जिंदा रहने का कोई हक खत शादी से पहले लिखे थे, शादी के बाद? हमने भी शादी से पहले बहुत सी ऐसी गलतियां की। Look up. But never do it again. Okay? Smile. Smile like a brave girl. That's right.
That's right. Fine. Oh, yes, fine. Come along. आरटीओ ऑफिस से मेरे एक अर्जेंट टेलीफोन आने वाला है, आते के साथ ही मुझे खबर देना। करुणा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि वो कुछ रुमाल आप मेरे लिए मत सोचिए। आप सब खत्म हो चुका। अपनी बहन के बारे में सोचिए, कहीं उसकी एक भूल उसका सारा जीवन न बिगाड़ दे। करुणा, तुम मुझे बताओ, वो रुमाल जिस पर के लिखा हुआ था वो किसका था? मैंने कहा ना, वो रुमाल मेरा नहीं। मैं नहीं जानती वो रुमाल किसका। फिर वो उसी का है और उसी से खून का पता लग सकता है। लेकिन खून तो मेरे हाथों से हुआ है। करुणा, तुम्हें याद है तुमने कहा था जिस वक्त तुम भाग रहे थे किसी ने दरवाजा खटखटाया था? हाँ, मैंने आवाज सुनी थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो कौन था। मुझे यकीन है कि जिसने दरवाजा खटखटाया वही खूनी है। आप लोग जरा दूसरे कमरे में जाइए, मुझे इनसे कुछ जरूरी बातें पूछनी। बैठो। तुमने बयान दिया था कि 6 बजे सुबह तुमने रमेश भाटिया का दरवाजा खटखटाया था। जी हाँ, मैं सौ बार यही कहूंगा, हमेशा सच बातें कहूंगा। देखिए ना, सुबह तो 7 बजे के प्लेन से उन्हें तुमने झूठ कहा था। जी नहीं, तुमने 11 बजे रात को रमेश भाटे का दरवाजा खटखटाया था। नहीं, उसने दरवाजा खोला, तुम अंदर गए और उसके सर पर धड़ी दे मारी। रमेश भाटे का खून तुमने किया। खून? अच्छा, अब मैं आपको खूनी नजर आने लग गया। ठीक, लखवा दीजिए मुझे फांसी। मुझे मालूम था आप अपनी बीवी को बचाने के लिए किसी न किसी को फांसी चढ़ा देंगे। चढ़ा दीजिए मुझे फांसी। मैंने 11 बजे रात को दरवाजा खटखटाया था कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं खटखटाया था। मैं तो अपना काम कर रहा था। मैं खूनी नहीं हूँ। मैंने दरवाजा नहीं खटखटाया। हेलो, शरद स्पीकिंग। ओ मिस मेहता, गाड़ी का कुछ पता चला? BMC 6184। किसका? मिसेस कामिनी RB। ओ, शादीशुदा है। उनका पति क्या करते हैं? वो विधवा है। खुद क्या करती हैं? पता नहीं आपको। प्रति कहाँ है? ओरिएंटल होटल। अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं पता लगा लेता हूँ। थैंक यू। कामिनी आर बी। आग लगाना क्या मुश्किल है? इसका बुझाना क्या मुश्किल है? कहीं तुम बुझा दो अभी अभी, बुझा दो अभी अभी, बुझा दो अभी 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 अभी। आग लगाना क्या मुश्किल है?
हेलो एयरलाइंस, पुट मी टू रिजर्वेशन प्लीज। रिजर्वेशन? देखिए मैंने एक टिकट कराची के लिए नाइट प्लेन से बुक करवाई थी। हाँ क्या अवेलेबल नहीं है? अच्छा तो कल सुबह के लिए एक बुक कर लीजिए। हाँ हाँ मैं खुद आकर ले लूँगी। आप कामिनी देवी हैं? मैं सीआईडी ऑफिसर हूं। मैं जानती हूं आपने मुझे आज अदालत में देखा होगा। जी हाँ। अब जरा तशरीफ रखिए, आपसे मुझे कुछ जरूरी बातें पूछनी। कहिए। रमेश भाटिया को आप जानती थी? जी नहीं। तो फिर उसका मुकदमा सुनने के लिए आप अदालत में क्यों चली गई? मगर अदालत में तो कोई भी जा सकता है। जी हाँ कोई भी जा सकता है, लेकिन आपका रुमाल उसके कमरे में कैसे चला गया? मेरा रुमाल? जैसा कि आपके हाथ में वैसा ही रुमाल उसके कमरे में पाया गया। ये देखिए। के शायद ये रुमाल आप उसके कमरे में भूल आई होंगी। जी हाँ शायद भूल से रमेश के पास रह गया होगा। इसका मतलब आपको उसके साथ कोई ताल्लुक था? जी नहीं, सिर्फ इतना ही कि वो मेरा प्रोग्राम देखने आया करते थे। और आप उसके कमरे में मिलने जाया करती? ये झूठ है। सच बताइए कामिनी देवी, क्या होटल मैनेजर ने आपको वहां जाते नहीं देखा? नहीं। क्या होटल बॉय ने आपको रमेश के कमरे तक नहीं पहुंचाया? नहीं। मेरी तरफ देखिए, सच सच बता दीजिए वरना। मैं सच कहती हूँ, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं था। कोई वास्ता नहीं था? आप उसकी बीवी नहीं है? मिसेस कामिनी आर बी यानी मिसेस कामिनी रमेश भाटिया, आपकी गाड़ी 3 साल पहले इसी नाम से रजिस्टर हुई थी और आपके पति के हैसियत से रमेश भाटिया ने दस्तखत किए थे, सच है कि नहीं? नहीं। लेकिन एक बीवी के हैसियत से आपने अपने पति के खून का इंसाफ तक नहीं मांगा। गुनाहगारों की तरह हमेशा चुपती रही क्योंकि आपको डर था अगर आप जाहिर हो जाती तो पुलिस को सबूत मिल जाता कि आपके पति का खून खुद आपने किया। नहीं। और इसके लिए 50,000 रुपए का जो बीमा उसके नाम था आपने क्लेम नहीं किया। आप उसी कमरे में छुपी रही और रमेश और करुणा के झगड़े का फायदा उठाया और उसी घड़ी से आपके पति का सर कुचल दिया। मारना नहीं चाहती थी, मारना नहीं चाहती थी। कामिनी देवी, बेहतर इसी में है कि आप सब कुछ कबूल कर दें। अब जाहिर हो चुकी है, आप बचने चाहते। मैं सच कहती हूँ, उस पर यकीन कीजिए, मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी, मैं उन्हें मारना नहीं चाहती। उस रात आप कहाँ थे? उस रात मैं बहुत परेशान थी, उन्होंने बहुत पी ली। हाँ चला गया था। तो फिर तुम वहां 3 बरस तक रही, तुमने मुझे चिट्ठी तक नहीं लिखी। बंबई में आए हुए तुम्हें 15 दिन हो गए, मुझे खबर तक नहीं दी। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, आना जाना मेरा कारोबार है। तुम्हारा कारोबार मैं अच्छी तरह जानती हूँ, किस तरह लड़कियों को फ्रेम में फंसाती हो, उससे मोहब्बत भरे खत हासिल करने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करती हो, यही तुम्हारा कारोबार है ना? उनमें से एक लड़की तुम भी हो जिसकी चिट्ठी मैंने फरोख्त नहीं की, जिसे ब्लैकमेल नहीं किया बल्कि उसके साथ शादी कर ली। शादी? तुमने मेरे साथ नहीं मेरे पैसे के साथ शादी की थी। जब मेरा पैसा खत्म हो गया मुझे छोड़कर सिंगापुर चले गए एक दूसरी लड़की फांसने के लिए। फिर तुमने उसे फांस लिया। फिर वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, मिस डिसूजा। हाँ तुमने उससे शादी कर ली। फिर और अब यहाँ जिस लड़की को ब्लैकमेल करने आए हो मैं उसके बारे में भी सब जानती हूँ। हाँ हाँ सब जानती हूँ।
जानती हो तो तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैं पुलिस को खबर कर दूंगी, तुम अपनी मौत को खुद मर जाओगी। दुनिया में अभी कोई ऐसी औरत पैदा नहीं हुई जो मुझे मार सके। हेलो, कौन? एक लेडी, क्या नाम है? भेज दो ऊपर। नहीं वो यहां नहीं, मैं कह रहा हूं वो यहां नहीं, भेज दो। नहीं जाओ, जाओ यहां। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारी बीवी हूं, जहां तुम रहोगे वहीं रहूंगी। Just a minute. बाद मैं काफी देर तक बेहोश रही। जब मुझे होश आया तो मेरा दिल गुस्से से भरा हुआ था। इतनी नफरत, इन खतों का हर लाइन का हर लफ्ज तुम्हारी जिंदगी को तारीख बना। मैं जब जी चाहे बुलाऊंगा, सुबह दोपहर शाम, जब चाहूंगा जहां चाहूंगा तुम्हें बुलाऊंगा। तुम आओ, अपनी शादी को कामयाब बनाने के लिए अपने पति की आंखों में धूल झोंक कर आओ। नहीं जा सकती, मैं ये खत नहीं लेके जाने दूंगा। छोड़ दे जीने का अधिकार नहीं दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये मेरी तरह न जाने कितनी और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। इसका मर जाना ही अच्छा है, इसका मर जाना ही। मदद ही नहीं बल्कि मेरी इज्जत बचाई है, हमारे खानदान की इज्जत बचाई है और एक मासूम औरत की जिंदगी बचाई है। मैं अदालत से कहूंगा कि
आपने जुर्म का खुद इकबाल किया है ताकि आपको कम से कम सजा मिले। अब जो भी हो चलिए। जरा मुझे एक गिलास पानी। This is flying control. This is flying control. Your attention, please. Your attention, please. Indian Airlines announcing the departure of flight number 101 for Karachi. Passengers are requested to check up their passport and their personal belongings. Please proceed to the aircraft. Thank you. था उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। तुम आजाद हो। मैं जज से तुम्हारी रिहाई की स्पेशल परमिशन लेकर आया हूं। तुम निर्दोष हो करुणा। मैंने आपको माफ कर दिया।